खुशियों के मौके पर शादी ब्याह में या शुभ कार्य में पहना जाता है। मंत्री चक्कर मत कर, बस एक वो पसंद का कपड़ा ले जा। जो ये पोशाक मैंने पहना है वो गढ़वाली पोशाक है और हमारे बुजुर्ग सारे लोग पहनते हैं इसको। अब तो मैं इनको सुंदरियों को देख मैं एक गाना गा लेता हूँ। हाँ मारा मजा आ जाएगा। मैं तो लुक छुप के आया बहाने से और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भोटिया लुक है और मैंने ये इसलिए पहना है कि हमारी संस्कृति हमेशा बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। शकुंतला ढूंढिया है, मैं मेरे हाथ में स्वेटर है। आज कल गर्मियों का मौसम है लेकिन बर्फ गिरने वाली है, इसलिए मैंने यह स्वेटर बुन रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और मैं महिला मंगल दल आप सब बड़ी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिन ना होगी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सभी का एक नए ब्लॉग पे। और आज का ब्लॉग आप ये भीड़ देख के अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस चीज़ का आज का ब्लॉग बनने वाला है। तो 8 तारीख को जो है 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 तारीख को होने वाला था वो मनाया जा रहा है 5 को नगर क्षेत्र नगर पंचायत गैरसैंड में, क्योंकि 8 को शिवरात्रि भी है और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं आजकल। तो आज एग्ज़ाम नहीं है तो इसके चलते आज 5 तारीख को यहाँ पर महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो इस महिला दिवस को लगभग मतलब भव्य भव्य हिसाब से मना रहे हैं और एक साल बाद हम यहाँ पे आए हुए हैं। फिर से वही माहौल यहाँ पे बना हुआ है और उसी हिसाब का टेंट यहाँ पे लगा है, पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। तो कैसा लग रहा है भाई? पहले तो ठीक है, पूरा एक साल हो गया, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया और करते भी रहो। बस बाकी देखना व्लॉग में, देखना मेरे व्लॉग में देखो, हिमांशु के व्लॉग में देखो, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपने अपने तरीके से हम ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताना आप लोग। बाकी सारी महिलाएं जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तो वो सब पहुँच चुके हैं। इसीलिए दीप प्रज्वलन करने के लिए कविता रावत, कविता दुष्ट और हमारे अतिथि हमारे अतिथि हैं। आजकल ऐसे सूखे सूखे फूल मिल रहे हैं, हमारे अतिथि हैं, आप लोग इनको। तो आज के दिन का मुख्य कार्यक्रम यही रहने वाला है दोस्तों, जो ये फैशन आइटम शो है। तो बहुत सारे परिधान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे और कई सारी जो वेशभूषा उत्तराखंड की है, संस्कृति है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये कुमाऊनी परिधान है, इसे अक्सर जो है खुशियों के मौके पर शादी ब्याह में या शुभ कार्य में पहना जाता है। इस परिधान को धन्यवाद। मेरा नाम शांति देवी है, जो ये पोशाक मैंने पहना है वो गढ़वाली पोशाक है और हमारे बुजुर्ग सारे लोग पहनते हैं इसको। थैंक यू। और मैंने कुमाऊं परिधान पहना है और ये फूल देने की टोकरी है जो अब आने वाला त्यौहार है हमारे यहाँ पे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुसुम नेगी है और मैंने ये पहनाव पहना है, ये भोटिया लुक है और मैंने ये इसलिए पहना है कि हमारी संस्कृति हमेशा बरकरार रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। मेरा नाम शकुंतला ढूंढिया है, मेरे हाथ में यह स्वेटर है। आजकल गर्मियों का मौसम है लेकिन बर्फ गिरने वाली है, इसलिए मैंने यह स्वेटर बुन रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा नाम मीना जी कुमार है और
बताइए मुझे तो महिलाएं पीती है ऐसे धन्यवाद। प्रणाम सभी मुख्य अतिथि और दीदी भूलियों, मैं कविता रावत, मैं आज उत्तराखंड परिधान हूँ, कुमाऊनी लुक पहनी हूँ, मतलब पिछोड़ा ये सब, और मैं और मैं महिला मंगल दल आप सबड़ी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दिन ना होगा। धन्यवाद। मैं मीना साहू, जो मैंने वो पहने हैं वो कुमाऊनी पहने हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ अनीता पवार। मैं हमारा पुराने जमाने के बुजुर्गों का पहनाव यही था और उनका जो व्यवसाय का साधन था यही हल था मेरा, यही उनका। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम, महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ पर उपस्थित समस्त मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जो संचालन समिति है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्रीमती कविता बिष्ट और मैं जो मेरा ये पहनावा है ये हमारे गांव की महिलाओं की धोती है और जब वो खेतों में जाते हैं तो कमर में बांध के और अपना जो स्टॉल है उसको सिर में बांध के और जो दरांती वगैरह है पूरी व्यवस्था अपने साथ बनाती है। जैसे उनका फोन है तो वो गले में टांगती है क्योंकि उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और जो ये है मेरे हाथ पे है ये टोकरी है, इसमें हम बीज रखते हैं, जब खेतों में ले जाते हैं तो बीज बोने के लिए सहूलियत होती है। धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं। मैंने बोला है कि आज महिला खुद के देंगे जोर से तालियां बजाएं। अरे अब तो मैं इनको सुंदरियों को देख मैं एक गाना गा लेता हूँ। हाँ महाराज मजा आ जाएगा। मैं तो लुक छुप के आया बहाने से, मैं तो लुक छुप के आया बहाने से, यही मतलब है फैशन शो में आने से, मैं तो लुक छुप महाराज 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 कस्टमर तो लो 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 अपने गुरु बने तो चाहे
सतयुग में, लेकिन ये कलयुग है, इसमें क्या है, बहुत सारे रावण हैं। इसीलिए सावधान रहो, सतर्क रहो और जहां भी रहो मस्त रहो और आवाज रहो, आवाज रहो, चाहे इलाहाबाद रहो चाहे जैसे में रहो। धन्यवाद। तो फिलहाल काम बहुत हुआ, भूख भी लगी खतरनाक वाली। सबसे पास में मनोज भाई का घर, वहाँ पे भात खाएंगे अभी मज़े से, फिर निकलते हैं नीचे के लिए। घर में है पप्पू और पप्पू और कौन है घर में, लक्षू। लौट के बुद्धू घर को आए बोले बोले बोटे अभी आज देख लिया इसको। ए लक्ष्मू, ए लक्ष्मू, ए लक्ष्मू, बोलो मस्ता ठीक ठीक अबल। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ घर के पास में। प्रोग्राम चल रहा था, हम आ गए थे पहले क्योंकि सर में हो रहा है दर्द, खतरनाक वाला दर्द, हेडेक हो रहा है बहुत खतरनाक, और कल हमको भेड़ आना जाना है, इसलिए हम पहले आ गए हैं। आराम करेंगे थोड़ा, जिसको एडिट करते हैं। वैसे तो सारे आज के जो कंटेंट हैं इनमें कॉपीराइट आ सकते हैं, इसलिए कम कम डाला हुआ है वीडियो। नाराज़ मत होना कोई लोग कि हमारी वीडियो क्यों डाली, नाराज़ मत होना बिल्कुल भी, है ना। कॉपीराइट आता है यार भाई, क्योंकि कॉपीराइट आता है क्योंकि भाई। टेक केयर, ध्यान रखो अपना सबके साथ।